So, good morning, students. Yesterday we have discussed about the chapter number first, the third level, part first, till page number 4. Now, today we will start with page number 4, second paragraph. To make sure, I walked over to a new newsboy. To make sure. आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं एक समाचार पत्र बेचने वाले लड़के तक गया एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स और मेरी निगाह तुरंत से पेपरों के ढेर पर जो समाचार पत्र वहां पड़े हुए थे उसके ढेर पर पड़ी एट हिज फीट जो उसके पैरों में पड़े हुए थे इट वॉज द वर्ल्ड वहां पर जो समाचार पत्र रखा गया था उसका नाम था द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स और जहां तक मुझे याद था कि जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था वो पिछले कई सालों से प्रकाशित नहीं हुआ था द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड और जो लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ मुझे बता रही थी आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स मुझे ये इसका जो फ्रंट पेज था कई समय पहले पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में देखने को मिला था एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894 और इस पर जो तारीख अंकित थी वो 11 जून 1894 की थी आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट मैं टिकट विंडो की ओर मुड़ा यह जानते हुए ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जाना चाहता था आई कुड बाय टिकट्स मैं टिकट खरीद सकता था That would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. और इस टिकट को खरीदकर मैं और मेरी पत्नी Louisa कहीं भी जा सकते थे United States में जहां हम जाना चाहते थे. In the year 1894, 1894 में and I wanted two tickets of Galesburg, Illinois. और मैं दो टिकट चाहता था Galesburg और Illinois के. Have you ever been there? क्या आप कभी वहां गए हैं इट्स ए वंडरफुल टाउन यह बहुत आश्चर्यजनक कस्बा है स्टिल विद ओल्ड बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज जहां पर बड़े बड़े पुराने फ्रेम हाउस बने हुए हैं ह्यूज लॉन्स बड़े बड़े बगीचे हैं एंड ट्रेमेंडस ट्रीज और विशाल पेड़ हैं हूज ब्रांचेज मीट ओवरहेड जिनकी शाखाएं लगातार एक दूसरे से मिलती हैं एंड रूफ द स्ट्रीट्स और उनकी जो शाखाएं हैं वो गली की छतों से आकर टकराती हैं एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग जो गर्मियों की शामें होती थी वो शाम दुगनी बड़ी हुआ करती थी एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स लोग अपने बगीचों में बैठते थे एंड मैन स्मोकिंग सिगार्स बहुत सारे लोग सिगार पीते रहते थे एंड टॉकिंग क्वाइटली और चुपचाप बातें करते रहते थे The women waving palm leaf fans, महिलाएं जो पाम की पत्तियों को हिलाती रहती थी with the fireflies all around, और चारों तरफ जुगनू भी उड़ते रहते थे In a peaceful world, उस शांत संसार में To be back three there with the first world war, still 70 years, अभी 20 years off, अभी 20 साल बचे थे and world war second over 40 years in the future और वर्ल्ड वार सेकंड होने में भी 40 साल और थे फ्यूचर में आई वॉन्टेड टू टिकट फॉर दैट मैं उनके भी दो टिकट चाहता था द क्लर्क फिगर्ड द फेयर अब वहां पे जो टिकट विंडो पर जो बाबू बैठा हुआ था उसने किराए का काउंट किया ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड उसने तुरंत मेरे जो फैंसी हेडबैंड था उसकी ओर निगाह डाली बट ही फिगर्ड द फेयर लेकिन फिर भी उसने मुझे पूरा किराया लगाकर मुझे बता दिया एंड आई हैड इनफ फॉर टू कोच टिकट्स और मेरे पास पर्याप्त पैसे थे दो कोच टिकट खरीदने के लिए वन वे बट एक तरफ के बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी लेकिन जैसे ही मैंने पैसों को गिना एंड लुक्ड अप और ऊपर की ओर देखा द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी वह बाबू मेरी ओर घूर कर देख रहा था ही नॉडेड एट द बिल्स उसने मेरी उन बिल्स वाली मुद्राओं को देखकर इनकार कर दिया गर्दन हिला दी दैट एंड मनी मिस्टर ये पैसे नहीं चलते हैं श्रीमान ही सैड उसने कहा एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी अगर तुम मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो यू वॉन्ट गेट वेरी फार तो तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे
एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और उसने तुरंत कैश ड्रॉअर की ओर तुरंत निगाह डाली। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वहां की जो मुद्रा थी वो पुराने प्रकार के ओल्ड स्टाइल बिल्स थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, वापस से उतने ही बड़े जितना के धन वी यूज नाउ इट इज, एंड डिफरेंट लुकिंग। आई टर्नड अवे, मैं मुड़ गया, एंड गॉट आउट फास्ट, और शीघ्रता से बाहर निकला। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, जेल के बारे में कुछ भी ज्यादा ठीक नहीं था, इवन इन 1894, 1894 में भी। एंड दैट वॉज दैट, और यही मैं कहना चाहता था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं वापस से उसी रास्ते पर चल दिया जिस रास्ते से मैं आया था। आई सपोज, मैं कल्पना करता हूँ, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने $300 बैंक से निकाले, नियरली ऑल वी हैड, और उतने ही मेरे बैंक अकाउंट में थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसके बदले मैंने पुराने स्टाइल की जो करेंसी थी, मुद्राएं थी, वो खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और इस बात ने मेरे मनोचिकित्सक मित्र को और अधिक चिंतित कर दिया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन, तुम पुराना जो मुद्राएं हैं वो खरीद सकते हो किसी भी सिक्के के बदले, एट एनी कॉइन डीलर, किसी भी कॉइन डीलर से, बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ अतिरिक्त राशि देनी होगी। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे $300 के बदले पुराने स्टाइल की 200 मुद्राएं आ पाई। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, और 1894 में अंडों का जो मूल्य था वो 13 सेंट्स हुआ करते थे एक डजन के। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, लेकिन मुझे वह कॉरिडोर दोबारा नहीं मिला जो थर्ड लेवल की ओर जाता था, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। Although I have tried over enough, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की। लुइसा was pretty worried, लुइसा बहुत अधिक चिंतित थी, when I told her all this, जब मैंने उसे इसके बारे में बताया। And I didn't want me to look for the third level, और मैं नहीं चाहता था कि मैं थर्ड लेवल को और तलाश करूं। And after a while, I stopped, और कुछ समय के बाद मैं रुक गया। I went back to my stamps, मैं अपने टिकटों को देखने दोबारा गया। But now we were both looking every weekend, अब हम प्रत्येक सप्ताह अंत में देखने जाते थे। Because now we have proof, क्योंकि अब हमारे पास सबूत था, that the third level is still there, कि आज भी वहाँ third level है। My friend Sam, when I disappeared, मेरा जो friend Sam था, वो गायब हो चुका था। Nobody knew where, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेरा दोस्त कहाँ जाकर यह कहां चला गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे संदेह था, बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय, कि सैम एक शहरी लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम, और मैं उसे प्राय कहा करता था अबाउट गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग के बारे में, उसे ज्यादातर बार गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहां स्कूल गया था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और मैं हमेशा कहता था मुझे उस स्थान का जो की आवाज है वो मुझे बहुत पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज, इसीलिए वो वहां है। ऑल राइट इन 1894, लेकिन ठीक है, लेकिन वह 1894 की बात थी। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के दौरान बड़बड़ाते हुए, आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो वॉट ए फर्स्ट डे कवर इज, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। When a new stamp is issued, जब कोई नई टिकट जारी की जाती है, stamp collectors, तो टिकट संग्रहण करने वाले, buy some, कुछ टिकटों को खरीद लेते हैं, and use them to mail envelope, और उन्हें जो डाक के लिफाफे होते हैं उन पर चिपका देते हैं, to themselves, अपने आप, on the very first day of the sale, उन टिकटों की बिक्री वाले पहले दिन, and the postmark proves the date, और उस पर लगी हुई मोहर उस दिन की डेट को सुनिश्चित करती है, सिद्ध करती है। द एनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, इस तरह का जो एनवलप होता है उसे हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं। देयर आर नेवर ओपन, वे कभी नहीं खोले गए थे। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, आप चाहें तो उसमें बिल्कुल खाली कागज उस एनवलप में रख सकते हैं। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर्स के बीच, आई फाउंड, मैंने देखा, दैट
shouldn't have been there, जिसे नहीं होना चाहिए था, but there it was, लेकिन वो वहां था. It was there because someone had made it to my grandfather, क्योंकि इसको मेरे दादाजी को किसी ने उसे भेजा था, at his home in Galesburg, उन्हें उनके Galesburg वाले घर के पते पर. That's what the address on the envelope said, क्योंकि ये बात मुझे इसलिए पता है कि उस पते पर, उस लिफाफे पर Galesburg का पता लिखा हुआ था. And it had been there since July 18, 1894. और यह 18 जुलाई 1894 से वहां पर था. The postmark showed that, और उस पर लगी हुई मोहर यह साबित करती है, yet I didn't remember it at all, कि यह सब कुछ मुझे याद नहीं था. The stamp was a 6-cent dull brown, कि जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट की खरीदी हुई थी, हल्के भूरे रंग की थी, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की एक तस्वीर बनी हुई थी. नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, और स्वाभाविकतावश जब वह एनवेलप मेरे ग्रैंडडैड के पास आया डाक के द्वारा, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन, यह सीधा उनके कलेक्शन में चला गया, एंड स्टेड देयर, इसलिए वो वहीं पर रखा हुआ था. Till I took it out, तब तक मैंने उसे खोला and इसे बाहर निकाला, and opened it, और उसे खोल दिया. The paper inside wasn't blank, और उस envelope में जो paper रखा हुआ था वो blank नहीं था. It read, उस पर कुछ लिखा गया था, उस पर लिखा गया था 941 Willard Street, Galesburg, Illinois, July 18, 1894. ये सेंटर एड्रेस था, और डेट लिखी गई थी किस दिन ये पत्र लिखा गया था. Charlie, I got to wishing that you were right. मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि तुम बिल्कुल सही थे. Then I got it to believing you were right. उसके बाद मुझे भी विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से तुम बिल्कुल सही थे. And Charlie, it's true. और ये बात बिल्कुल सच है. I found the third level. कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया था. I have been here 2 weeks. मैं यहाँ दो सप्ताह तक था. And right now, down the street at the Delhi, someone is playing a piano. और अभी भी मैं उसी गली में हूँ दिल्ली, वहां पर कोई पियानो बजा रहा है. एंड देयर वर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नीली होम, और निश्चित रूप से वहां सामने पोर्च में कोई सीइंग नीली होम वाला गाना गा रहा है. एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे यहां पर शिकंजी पीने के लिए आमंत्रित किया गया है. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, वापस से आ जाओ चार्ली एंड लुइसा. कैप कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तब तक अपनी तलाश जारी रखो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल मिल नहीं जाता है. इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, यह इसी के योग्य है, मेरा विश्वास करो. द नोट इज साइंड सेम, और उस पर नीचे सेम के हस्ताक्षर थे. एट द स्टैंप एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, टिकट और सिक्के को देखकर मैं गया. आई फाउंड आउट दैट सेम बॉट $800, मैंने पता लगाया कि सेम ने $800 में से खरीदा था. वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, that ought to set him up in a nice little hay, और उसे एक छोटी सी भूसे वाली गाड़ी में उसे रख दिया था. feed and grain business, और उसने grain का business start किया. he always said, क्योंकि वह हमेशा कहता था, that's what he really wished he could do, कि वह जिस चीज की इच्छा करता है वास्तव में उसे कर सकता था. and he certainly can't go back to his old business, और वह निश्चित रूप से अपने पुराने बिजनेस पर नहीं गया. नॉट इन Galesburg, इलिनॉइस, ना ही Galesburg में, इलिनॉइस में भी नहीं. इन 1894, 1894 में, हिज ओल्ड बिजनेस, तो उसका ओल्ड बिजनेस क्या था? वाई सेम वॉज माई साइकेटिस्ट, और सेम मेरा मनोचिकित्सक मित्र क्यों था. तो यह एक उसकी इमेजिनेशन थी जिसमें जो इस चैप्टर का जो नैरेटर है चार्ले, वो बताता है कि उसकी एक इमेजिनेशन थी कि वह थर्ड लेवल के बारे में अपने मन में कल्पना कर चुका था, और जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से गुजर रहा था वहां पर उसे सिर्फ 2 लेवल देखने को मिलते हैं, तीसरे लेवल की वह कल्पना करने लगता है, और वह पूरा डिस्क्रिप्शन अपने माइंड में सेटअप कर लेता है. उसके मनोचिकित्सक मित्र से भी उसे बात होती है, क्योंकि यह उस पत्र को पढ़ने के आधार पर अपने मन में काल्पनिकता को ले आता है, और वो देखता है कि उसे ऐसा कोई पत्र भी प्राप्त होता तो पुरानी इमेजिनेशन में खो जाता है. इसी बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है. If you find any kind of difficulty, then you can contact me on my personal mobile number. Thank you very much.